नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और पहला टेस्ट मैच तो अपन ने जीत लिया था, अब दूसरा भी जीतना है और न्यू ईयर का एक तरह से आरंभ करना है पहला दूसरा टेस्ट मैच जीत के। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली क्योंकि मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है निखिल सर, एंड यू नो नेम हैज क्रेजी निक्स इन हिज इंस्टा एंड ट्विटर अकाउंट। एंड इफ यू वॉन्ट लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स एंड फैंटेसी अपडेट्स देन यू मस्ट गो एंड चेक हिज ट्विटर अकाउंट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक एंड मस्ट फॉलो अस। तो मेरे साथ मौजूद है मानस एंड निखिल सर। मानस, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। नए साल का जो आरंभ है वो सीरीज जीत के करना है और एक नई शुरुआत लानी है क्रिकेट में, कि जो पिछले साल जो गलतियां की, पिछले कुछ टाइम में जो गलतियां की उनको सुधारना है इस साल में, और एक सक्सेसफुल क्रिकेटिंग ईयर बनाना है इसको हिस्ट्री में। तो यही था, इस सीरीज के साथ शुरुआत करते हैं। निखिल सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस, काफ़ी बेहतरीन साल रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए। सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अगर हम निकालना तो नहीं चाहिए, बट इट वॉज जस्ट द ओनली ब्लिप दैट द टीम हैड। तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा साल रहा है। बहुत बहुत टीम्स अपने जीवन काल में सेंचुरियन, ग्यावा, लॉर्ड्स ओवल में नहीं जीते, और ये टीम ने एक साल में ये चारों वेन्यू पर जीता है। तो जस्ट टेल्स यू हाउ ग्रेट द साइड हैज बीन। आई थिंक लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा अभी भी कि ये गेम चार गेम में, चार दिन में ख़त्म हुई है। तो ये इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंस वेरी ऑफन। सो आई जस्ट होप, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए ये टेस्ट सक्सेस थोड़ा ग्रांटेड लिया जा रहा है अगेन, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो इन्हीं प्लेयर्स को देख के आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। हमने बहुत शामें, रातें, सुबह गुजारी है कि यार इधर तो हारना ही है, दो बार बैटिंग मिलेगी, कौन करेगा क्या पता। तो एक वेलकम चेंज है, ऑब्वियसली विराट खुद इसमें सेंटर फिगर रहे हैं। तो आई थिंक राहुल द्रविड़ के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई कि जो विराट कोहली और रवि शास्त्री ने जो टेस्ट का जो सेटअप जो इतना बढ़िया बना के रखा है, अब द्रविड़ को उन्हें आगे लेके जाना है। और यस, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही, जिसके बारे में हम श्योर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा साल रहा है इसको आप किस तरह से समराइज करेंगे, कि आपके कौन से बेस्ट मूवमेंट्स रहे जिसको, और इसके अंदर आप आईपीएल भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे क्रिकेट के अंदर जो भी हुआ इस साल, इसको आपके पूरे बेस्ट मूवमेंट्स टॉप थ्री या टॉप फाइव। एक जो मेरे जहन में बिल्कुल ये बात है अबाउट दिस पर्टिकुलर दिस ईयर हैज बीन ऑफ सरप्राइजेस, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। एक वीक अटैक, इंडिया की बेस्ट टीम नहीं जीती वहाँ पे, तो फगेट एक इंजर्ड रिप्लेसमेंट टीम अगर जाके ऐसा कुछ करके आती है, तो इट जस्ट टेल्स यू हाउ हाउ मच हंग्री दे वेयर टू डू वेल। और ये सेम चीज़ मुझे लगता है पूरे साल चली। आप देखें तो बहुत टीम्स अवे जीती, एक जो स्टैंड आउट करता है वो है पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का ओडीआई सीरीज, जहाँ पे इंग्लैंड की पूरी टीम चेंज हो गई थी। देयर वाज ऑलमोस्ट नोबडी फ्रॉम द फर्स्ट यू नो रेगुलर 11, एंड येट दे वेंट ऑन टू विन 3-0। तो अगेन अनदर सरप्राइज इन दैट रिगार्ड्स। हाँ, उसके बाद एशेज अब जो हो रहा है वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है, माइकल वॉन के लिए शायद होगा, पर और किसी के लिए तो सरप्राइज वो है नहीं। और ये जो सेंचुरी में खत्म किया थी, इट्स अ परफेक्ट स्टार्ट एंड एंड टू द ईयर, कि आप शुरुआत करो ऑस्ट्रेलिया की जीत से और एंड करो आप एक फ्रॉम वन फोर्ट्रेस टू अदर। तो आई थिंक पूरा साल वैसा रहा था जहाँ पे आपने सभी टीम्स को अपने से एक्सपेक्टेशन से ऊपर गए। वर्ल्ड कप तो हमने देखा ही कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आके कहाँ से जीत गई, ऑस्ट्रेलिया खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी जीतने के बारे में वर्ल्ड कप, और जीत गए। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वाज द टोन ऑफ द ईयर, दैट इज द अंडरडॉग स्टोरी अगर आप कहें तो। उसके बाद अगर सेकंड टेस्ट की तरफ देखें तो इसके अंदर आपकी मतलब क्या प्लेइंग 11 हो सकते हैं और क्या सुधारना चाहिए, जैसे अजिंक्य रहाणे और इवन विराट कोहली का भी कहना पड़ेगा जिस तरह से उनका फॉर्म है, जो अपने तीन मेन बैट्समैन मिडल ऑर्डर के अंदर पुजारा, रहाणे एंड विराट कोहली, एंड जिस तरह से स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही इस पिच में, तो क्या आप अश्विन को हटा के किसी एक पेसर को फिर से या फिर कोई एक ऑलराउंडर मे बी हनुमा विहारी या फिर कोई और? आई थिंक मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा फ्रॉम वॉट आई फील, बिकॉज यूजली इंडिया अपने फर्स्ट टेस्ट में अपने पॉसिबल बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही जाती है यूजली, कि ये हमारी बेस्ट 11 है। और क्योंकि रहाणे ने एक इनिंग्स में स्कोर कर दिया है तो हमें पता ही है वो एक, कहीं तो मैंने सुना था कि रहाणे को ड्रॉप करने के लिए यू नीड अ वेटो पावर,
तो मुझे लगता है वो वेटो पावर खुद रहाने के पास है, तो आप बिना उनसे पूछे उन्हें नहीं निकाल सकते. एंड अगेन टू बी फेयर टू हिम, ही प्लेड, ही लुक्ड वेरी इंप्रेसिव इन वॉट एवर टाइम ही स्पेंट इन द मिडिल, तो होपफुली ही कैन कंटिन्यू. और दैट, और पुजारा भी हमने देखा सेकेंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स में तो खैर चांस ही नहीं था उनके पास कुछ करने का, बट सेकेंड में जितने टाइम भी वो खेले, इट फेल्ट वेरी नाइस, काफ़ी अथॉरिटेटिव ड्राइव्स थे, तो गुड साइंस. और क्योंकि अवे टूर है, साउथ अफ्रीका में बैटिंग बिल्कुल भी ईजी नहीं है, हमने देखा है, और साउथ अफ्रीका कम बैक करेगी काफ़ी स्ट्रांगली, तो आई थिंक इंडिया विल अगेन बैक देयर एक्सपीरियंस. स्पिनर को खिलाना नहीं खिलाना, आई थिंक वो प्रॉपर, आई थिंक वेन्यू पे लास्ट मिनट कॉल होगा कि अगर पिच से उन्हें लगता है कि बिल्कुल ही मदद नहीं होगी तो ही शायद अश्विन ना खेले, क्योंकि शार्दुल का रोल भी फिर आपको सोचना पड़ता है कि हाउ बेनिफिशियल इज हैविंग समवन लाइक अ शार्दुल, क्योंकि उन्होंने इतनी बॉलिंग नहीं करी इन द फर्स्ट टेस्ट. तो डू यू वॉन्ट टू प्ले एन एक्स्ट्रा सीमर फॉर हिम एंड देन होप दैट अश्विन इज द गाय हु गिव्स यू दैट रन्स विद द बैट, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है ओपन फॉर इंडिया. So would you like to have a call on Cheteshwar Pujara? So anyone to replace him, or would you like to just go for it only? Go for him only, Cheteshwar Pujara. I think both Pujara and Rahane will play the entire series. I don't think any of them will get dropped. Same is the case with openers. अगर openers तो चलो पहला game उन्होंने ही setup करके दे दिया, but अगर नहीं भी चलते तो मुझे लगता था कि उन्हें पूरा back किया जाएगा पूरी series. क्योंकि अवे टूर में जहाँ तक अगर इंजरी या कुछ नहीं है तो आई डोंट थिंक टीम्स शुड चेंज अ लॉट, क्योंकि जब आप अगर बहुत चेंजेस करोगे तो अगेन यू आर गिविंग द इम्प्रेशन दैट यू डोंट नो व्हाट योर बेस्ट, व्हाट्स योर बेस्ट इलेवन. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज अ गुड बॉल एंड व्हाट इज अ मिस्टेक, तो वो डिफरेंशिएशन अगर हम उस नजरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि कोहली के दोनों डिसमिसल्स ज़्यादा उनकी मिस्टेक थी रादर देन द बॉलर्स ग्रेट बॉलिंग. तो वैसे आई थिंक दैट इज द ओनली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर इंडिया, के जो 3-4-5 हैं वो क्लिक करें. होपफुली आई कैन आई सी टू ऑफ देम कमिंग गुड इन द नेक्स्ट टू गेम्स वेल. होपफुली तीनों अगर एक साथ अच्छा हो जाए, अच्छा कर जाए, तो बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए. और अभी मतलब बहुत कमेंटेटर्स एंड एनालिस्ट भी मतलब ऐसे कह जा रहे हैं कि जो वो सचिन का 241 वाला नॉक थी उसके अंदर एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी थी, तो क्या वो विराट कोहली को कुछ ट्राई करना चाहिए या फिर आपके क्या ओपिनियन? सर रोड मिलेगा तो करेंगे वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट इट. सचिन गॉट दैट ऑन अ रोड जहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं था, जो बॉलिंग कर रहे थे वो कौन बॉलिंग कर, कौन वहाँ पे खेल रहा था, ये लोग कहाँ पे खेल रहे, कंडीशंस कैसी है. यहाँ पे एवरेज बैटिंग स्कोर इज 23 और 24. अगर 23 का अगर बैटिंग एवरेज है तो आप समझ सकते हैं कि बैटिंग कितनी हार्ड है. और एक बात तो जो देखो, ये हम सभी को पता है कि अगर हम सबको पता है कि वो बॉल इतना बाहर था नहीं मारना चाहिए था, नो बडी नोज इन मोर देन विराट हिमसेल्फ. तो अगेन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, पर जैसे संजय बांगर ने आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया कि मे बी इट इज़ जस्ट अबाउट द माइंडसेट एंड हाउ ही इज थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो विक्रम राठौड़ ने भी काफ़ी अच्छी बात कही कि वो उनका स्कोरिंग शॉट है. और मैंने कल ही आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे ये था कि 2018-19 से येस ही इज़ बीन डिसमिस्ड मोर ऑफन बट उनका कंट्रोल परसेंटेज हैज़ बीन बेटर. तो थोड़ा ये लक फैक्टर है कि 2018-19 से पहले जब भी वो कवर ड्राइव खेलते थे तो वो आई थिंक 25 या 26 बार खेल के एक बार आउट होते थे, तो मतलब यू हैड द बफर ऑफ 25 फॉल्स शॉट्स. बट अब वो नंबर आ गया है 3 पे, मतलब ऑन एवरी थर्ड बैड शॉट दैट इज ट्राइंग टू प्ले द कवर ड्राइव इज गेटिंग आउट. तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, टू गो फ्रॉम 20s टू सिंगल डिजिट्स. तो थोड़ा लक फैक्टर भी वैसा है और बहुत कुछ अगेन एक मिक्सचर है कि आपको वो बॉल सेशन के फर्स्ट बॉल पे मिल रही है तो शायद आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कभी कभी उतना बेस्ट नहीं होता, बट अगेन ये सब टेक्निकलिटीज आई एम श्योर वो खुद जानते हैं. तो होपफुली वो छोड़ें और अंदर रहें तो अच्छा ही होगा सबके लिए. सो डू यू थिंक दैट साउथ अफ्रीका विल मेक अ कमबैक, साउथ अफ्रीका का कमबैक कर पाएगी सेकंड मैच में, क्योंकि जिससे कई सब ने देखा कि मतलब जो दूसरे दिन से एकदम से ही ऑल आउट करना पहले इंडिया को और फिर उसके बाद थोड़ा बढ़िया प्रदर्शन करना, हालांकि बैटिंग इतनी नहीं चल पाई थी उनकी, पर फिर भी इंडिया की दूसरी इनिंग्स में उनको 174 रन्स पॉल आउट करना बहुत एक बड़ा जो एक अचीवमेंट कह सकते हैं उनके लिए भी, कि किस तरीके से उन्होंने खेला. तो क्या एक कमबैक कर सकती है अपनी टैक्टिक्स को, और डीकॉक भी अभी रिटायर हो गए, और
एक सदमा और लगा डीकॉक भी नहीं है तो पर एक्चुअली फायदा हो गया ना अगर आप देखें तो डीकॉक जैसे खेल रहे थे यस इज अ ग्रेट प्लेयर बट अगेन काइल वेरेन इज बीन इन फॉर्म तो वो अच्छी स्पॉट फिल करेंगे और कैच छूटता था काफ़ी क्रूशियल अगर हमें सभी को याद ही है फर्स्ट इनिंग्स में अगर वो कैच पकड़ लेते क्विंटन तो शायद ही गेम बहुत अलग तरीके से पैन आउट हो जाता तो अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू क्विंटन ऑब्वियसली इज अ ग्रेट गाय ओनली 29 हैज हिज ओन प्रायोरिटीज बट आई डेफिनेटली थिंक साउथ अफ्रीका विल कम बैक स्ट्रॉन्ग हमने उनकी बॉलिंग तो देख ही ली इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ जैसे ही पिच क्विक हो गई तो दे वर बैक टू द बेस्ट और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दिस वॉज द फर्स्ट टेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आप रस्टी भी होते हैं बोथ विद बैट एंड बॉल तो आपका माइंड आपकी बॉडी उस जोन में आने को टाइम लगता है और अगर आप पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वेन्यू पर अगर आप हार जाएं तो इट विल हर्ट यू इट विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू बी एट योर थिंकिंग बेस्ट तो देखिए ये पूरा सीरीज मुझे सबसे वही डिसाइड करेगा कि कौन बेटर बैट कर रहा सो टू मी द फर्स्ट टेस्ट वॉज वन इन द वेरी फर्स्ट सेशन दैट इंडिया प्लेड जब आप पहले सेशन में अगर ओपनर्स इतनी अच्छी स्टार्ट देते थे आपको तो अगर एवरेज स्कोर 300 का उसमें से अगर आपने 30% तो पहले ही बना दिए विदाउट लूजिंग मच विकेट्स तो आप वहीं पे बहुत आगे चले जाते हो गेम में तो इस लिहाज से आई थिंक इंडिया विल बी ऑफकोर्स वेरी कि यस साउथ अफ्रीका विल कम बैक स्ट्रॉन्ग और एंड आई ऑल्सो सी देम मेकिंग अ फ्यू चेंजेस इन देयर बोलिंग डिपार्टमेंट एज वेल यानसन काफ़ी अच्छे पोटेंशियल है बट आई फील ड्वेन ओलिवर शायद मिस हो गए भले यस यानसन को विकेट्स भी मिले बट आई फील ड्वेन ओलिवर इज अ फार बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू यानसन जस्ट एज ऑफ नाउ कौन नहीं हो रहा Who is your players to watch out? मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से सेकंड टेस्ट के अंदर कौन जो इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि भावी वैसे तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई जिससे बच के रहना पड़े और इंडिया में भी आई थिंक डीन एलगर और कगिसवर अबाडा विल रिमेन द की थ्रेट्स डीन एलगर हमने कल देखा उन्हें देख के कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये कैसे रन बना रहे हैं बट वो रन बना लेते हैं फ्रॉम द स्टीव स्मिथ मानस तो नहीं कह सकते स्टीव स्मिथ कैटेगरी की जब you don't feel confident at times looking at him but again he's always been a thorn in the flesh for india ke wo unhe out karna kabhi wo agar tik jate hain pehle 20-25 ball to fir unhe out karna bahut hard hota hai and he's the captain he'll want to lead from the front Temba Bavuma ka form bhi kafi badhiya hai wo kafi acche lag rahe the in both the innings in the first test so I think those two guys will be very key with the bat or with the ball I'm definitely sure that Rabada ka ye best format hai क्योंकि यहाँ पे उन्हें टेंशन नहीं है लेंथ बॉल डालने की या यॉर्कर पे छक्के खाने की तो ये यहाँ पे ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली और वी सॉ दैट इन द सेकंड इनिंग्स एज वेल जितनी अच्छी लेंथ लाइन लेंथ पकड़ के उन्होंने बॉलिंग की तो आई फील दोस टू गाइस अलोंग विद बावुमा विल रिमेन द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर इंडिया So, sir, a question apart that is, what happened to England in these three matches against Australia? So, उसके बारे में भी आप कुछ बताइए कि किस तरीके से मतलब एकदम से पलट ही दिया बेन स्टोक्स से वापस आने के बाद भी उनके परफॉर्मेंस कुछ सुधार नहीं आ रहा पिछले तीन मैचेस में तो देखिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम काफ़ी टाइम से एक ही बंदे के शोल्डर पे चल रही थी वो था जो रूट और इट हैड टू कम समडे और आपको कभी कभी ऐसे झटके ऐसे लॉसेस चाहिए लाइफ में क्योंकि देखिए सीधे अगर 8-0 नहीं होता तो विराट कोहली इंस्पायर नहीं होते विराट कोहली मोटिवेट नहीं होते वो चेंज लाने में जो उन्होंने लाया कि भाई हम पेसर्स की और पेसर्स का और ध्यान रखें सिस्टम रखें जहाँ पे रिप्लेसमेंट इजी हो तो यू नीड दोज लो पॉइंट्स टू गो अप टू द हाई पॉइंट्स तो जैसे इंग्लैंड का आप वनडे सेटअप भी देख लो कि यू नीडेड अ 2015 फॉर देम टू डू 2019 बट अगेन द डिफरेंस हियर इज 2015 के वक्त भी देर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी इन द डोमेस्टिक सिस्टम जो वैसे टाइप की क्रिकेट खेल रहे थे अभी इंग्लैंड का प्रॉब्लम यह है कि उनका जो डोमेस्टिक सेटअप है जो इतना वास्ट है इतनी सारी टीम्स है बट वो क्वालिटी निखर के बाहर नहीं आ रही क्योंकि अगर एज ए टीम अगर आप 200 के अंदर इतनी बार ऑल आउट हो चुके हो इन अ ईयर देन इट इज और ऐसा भी नहीं है कि आप एक जगह पर आउट हो रहे हो आप सभी जगह पर आउट हो रहे हो और आपको कोई भी आउट कर रहा है कहीं भी आउट कर रहा है देर इज नो फिक्स वन प्रॉब्लम के ओके इस वजह से आप आउट हो रहे हो तो एक जो क्लास कम थ्रू आना चाहिए कि ग्रिट और रॉरी बर्न्स और ये सारे हैं
ये सब डोमेस्टिक्स में स्कोर कर रहे हैं बट वो पोटेंशियल डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में नहीं कर रहे, और इंटरनेशनल में तो अभी वैसे ही बैटिंग बहुत हार्ड हो गई इन द लास्ट टू ईयर्स क्योंकि बॉलिंग टीम्स उतनी स्ट्रांग हो गई है. तो आई थिंक पहला प्रॉब्लम इंग्लैंड का उनकी बैटिंग है कि आप पूरा टाइम एक ही बंदे पे डिपेंड नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू. आई मीन जस्ट इमेजिन यू इन प्लेस ऑफ जो रूट, हाउ सैड एंड एंग्री वुड यू बी कि आपने आपके लाइफ की सबसे बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस दी है इन अ ईयर जहाँ पे यू हैव स्कोर्ड द थर्ड हाईएस्ट रन इन द इन एन एंटायर ईयर बट आपकी टीम ने आपसे 1000 रन कम मारे. आई मीन कैन यू इमेजिन स्कोरिंग 1000 रन लेस. इट इज़ अ वास्ट डिफरेंस, इट्स अ वास्ट डिफरेंस इन क्वालिटी. तो अगेन ये नहीं है कि वो क्वालिटी नहीं है बट अगेन आपको उस वर्ल्ड क्लास लेवल पे आने के लिए उतनी और मेहनत करनी पड़ेगी, उतने और आई डोंट नो टूल्स करने पड़ेंगे. बट इट अगेन इट्स अ स्ट्रक्चरल थिंग. जैसे हमने देखा विद इंडियन पेस बोलर्स के जो सिराज आए, जो बैटरी आ रही है नए फास्ट बोलर्स की, वो एक सिस्टम से आ रही है. देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस दैट इज टेकिंग केयर ऑफ दीज फास्ट बोलर्स. तो इंग्लैंड को भी वो प्रायोरिटी करना होगा फ्रॉम वाइट बॉल क्रिकेट टू रेड बॉल क्रिकेट कि हम काउंटी को प्रेफरेंस दे. हमने आई एम श्योर हम सभी ने बहुत बार देखा हो कि ये काउंटी प्लेयर्स पहले एक मैच एक टेस्ट खेलते हैं, फिर बीच में एक नेटवेस्ट का मैच खेलते हैं, फिर एक ओडीआई मैच खेलते हैं, विद देन दे अगेन प्ले काउंटी. आई थिंक दिस इट्स अ रिडिकुलस शेड्यूल टू हैव. आप कैसे कंटिन्यूटी रखेंगे? जैसे अगर इफ समबडी लाइक अ जेसन रॉय इफ इज प्लेइंग टू ब्लास्ट गेम्स एंड देन इज टोल्ड के अब आप जाके आपके काउंटी के लिए खेलो, तो अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम टू मेक दोज एडजस्टमेंट्स एंड स्टे इन दैट पर्टिकुलर बबल. तो होपफुली वो पूल जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंग्लैंड का वो अगर सॉर्ट कर लें तो ही आई थिंक ही दे'ल स्टार्ट टू विन. क्योंकि आप देखिए उनके पास पोटेंशियल बहुत है. देर आर लॉट ऑफ ग्रेट गाइज, देयर इज मार्क वुड, ओली रॉबिन्सन, ओली पोप भी अच्छा पोटेंशियल है. बट अगेन ये सब पोटेंशियल पे आके रुक जा रहे हैं. तो डिफरेंस तब आगा जब आप वो बैटिंग सपोर्ट देंगे बॉलिंग को. आप एक क्लासिक एग्जांपल है कि इंडिया की बैटिंग पिछले दो साल में इतनी अच्छी नहीं रही बट दे हैव डन जस्ट इनफ टू सपोर्ट द बॉलिंग. तो वो आई थिंक इंग्लैंड को फाइंड करना पड़ेगा कि जैसे इंडिया के लिए एक टूर में कोहली चला 2018 में, तो एक टूर में पुजारा चल गए ऑस्ट्रेलिया में, तो एक टूर में रहाने चल गए. तो यू नीड वन ऑफ योर सीनियर प्लेयर्स टू यू नो फाइंड न्यू हीरोज. तो वो इंग्लैंड के लिए अभी नहीं हो रहा. तो वो जब हो जाएगा तभी आई थिंक कुछ अच्छा देख पाएंगे. नहीं तो आई मीन टू लूज एन एशेज इन 12 डेज इट इज़ वेरी डीमोरलाइजिंग एज अ साइड. फिर आप कोई भी साइड हो तो, और अगेन इतना प्लानिंग भी होती है. देखो आप सॉरी आई एम साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड बट जो उनके कोच और कैप्टन थे उन्होंने दो साल तक यही रटा रटाया बोला कि यार वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एशेज, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एशेज. बट टू गेम्स इनटू द एशेज यू ब्रॉट बैक जॉनी बेस्टो एंड यू ब्रॉट बैक अनदर गाय जैक क्रॉली हु इज नॉट प्लेड एनी क्रिकेट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. तो ये बताता है कि आप कितने अंडर प्रिपेयर्ड थे एज अ साइड कि आप वो रिप्लेसमेंट्स के लिए रेडी नहीं. और यही डिफरेंस आप देखो इंडिया और इंग्लैंड में. आप देखो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का सीरीज कंपेयर करोगे कि जो इंडिया के रिप्लेसमेंट्स थे दे वर रेडी. इट डजंट मैटर कि सामने ऑस्ट्रेलिया में कौन था कौन नहीं खेला, दैट इज नॉट इन योर हैंड टू बीट ऑस्ट्रेलिया. एंड ऑस्ट्रेलिया इट्स ऑलवेज हार्ड. तो वो रिप्लेसमेंट रेडी रख रहे हैं ना, और वो उनका परफॉर्म करना एक डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. तो वो इंग्लैंड को करना है कि यू हैव टू प्लान बेटर तो ही आप अवे टूर जीतोगे. और एशेज से पहले जो रूट ने की स्टेटमेंट दी थी कि मेरी कैप्टनसी जब डिफाइन होगी इस एशेज के बाद, तो क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ट मैच के अंदर कोई नया कैप्टन या फिर जो रूट ही कंटिन्यू करेंगे? मेरे हिसाब से जो रूट ही कंटिन्यू करने चाहिए क्योंकि देखो ही हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट एटलीस्ट विद द बैक. यस उनकी टैक्टिक्स काफ़ी क्वेश्चनेबल थी. आई थिंक वी ऑल रिमेंबर लॉर्ड्स में जो हुआ जहाँ पे दे वेंट टू द प्लान ऑफ ट्राइंग टू बाउंस आउट बुमराह एंड शमी इंस्टेड ऑफ गेटिंग देम आउट. तो देखिए ये मुझे हमेशा लगता है कि ऑफकोर्स अ कैप्टन इज ऑलवेज एज गुड एज अ टीम, बट आपके सीनियर मेम्बर्स को भी स्टेप अप करना चाहिए. अगेन शायद लोग इतना ज़्यादा उस बात से अग्री ना करें बट मुझे लगता है कि अगर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं पता कि उन्हें फुल बॉलिंग करनी है एट ए पर्टिकुलर वेन्यू, तो ये प्रॉब्लम उनकी है. कोई आपको एज अ बैट्समैन को हम कोई आके नहीं बोलता कि भाई तू आउटसाइड ऑफ का बॉल मत एज कर. इट्स अ कॉमन थिंग, यू नो इट. तो अगर बॉलर आके बोलता है कि यार हमें नहीं पता था कि हम शॉट डाल रहे हैं,
हाउ कैन यू से दैट, आप गली क्रिकेट में अगर दो बॉल शॉट डालो आपको पड़ रही है तो योर नेचुरल माइंड विल टेल यू कि नहीं भाई तू फुल डाल क्या कर रहा है। तो अगेन आई फील द सीन है, अगर आप 500-600 विकेट लेके बैठे हो तो आपको खुद उतनी समझ होनी चाहिए कि आपकी लेंथ सुधारें। जो इंडिया ने किया, जो काइल जेमिसन एक रुकी जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमने देखी कि फर्स्ट डे पे काइल जेमिसन शॉट डाल रहे थे, द वेरी नेक्स्ट डे ही करेक्टेड दोज लाइंस। अगेन ऑब्वियसली वी डू नॉट नो हाउ हु टेम्प्टेड हिम टू मेक दैट चेंज, बट उन्होंने वो चेंज किया। तो ये आई थिंक वो बॉलर एक एज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होनी चाहिए प्लेयर की, कि मुझे खुद भी तो पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो आई थिंक वो सभी चीज़ एक फैक्टर बन जाती है कि आपके सीनियर प्लेयर्स स्टेप अप नहीं करेंगे तो फिर आप किसी को भी कैप्टन रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट आई थिंक कोच तो आई थिंक डेफिनेटली चेंज शायद होगा ही, क्योंकि क्रिस सिल्वरवुड काफ़ी 2 साल से कोच थे और उन्होंने आई मीन द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन गुड फॉर देम, तो शायद चेंज तो दिखेगा, बट आई होप जो रूट कैप्टन रहे। मानस, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द गेम प्लान ऑफ साउथ अफ्रीका सेकंड मैच अगेन, सो योर गेम प्लान और प्रेडिक्शंस लाइक दैट फॉर सेकंड गेम। अगेन आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ टफ स्टार्ट, टफ टेस्ट फॉर बैटिंग, तो टॉस वापस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देन यू नीड अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर इंडिया। आई थिंक दे वेर इनक्रेडिबली स्किल्ड एंड ऑल्सो दे शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू शमी के फर्स्ट इनिंग्स में बुमराह नहीं थे, फिर भी शमी स्टूड अप सो वेल एंड इंश्योर दैट इंडिया डिड नॉट मिस बुमराह। तो एक पर्टिकुलर स्पॉट तो यही हुआ कि आप क्या कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हो, वेदर यू वॉन्ट दैट एक्स्ट्रा सीमर और नॉट, या आप वो स्पिनर के साथ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो तो आई थिंक टेकिंग विकेट्स रेगुलरली विल बी द थी इफ इंडिया आर बोलिंग फर्स्ट, और अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो आई थिंक पिछला गेम वॉज अ परफेक्ट टेम्पलेट टू फॉलो कि आप बहुत सडेट शुरुआत करें, मेक द साउथ अफ्रीकन बोलर्स बोल मोर इन द फर्स्ट इनिंग्स, टेक योर टाइम, गेट इन टू द गेम एंड देन स्कोर वेरी बिग इन द फर्स्ट इनिंग्स, सो दैट देन द अदर साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लेइंग कैच अप, तो प्रेशर फिर उन पर होता है, आप पे नहीं होगा। Last question of mine about IPL. Your picks about CSK, मतलब CSK कौन ज़्यादातर players हैं आपको कौन सा लग रहा है कि जिसको CSK target कर सकती है 2-3 players से? और draft picks जो नई teams target? ठीक है, draft picks I think हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो draft picks कौन होने वाले हैं जो game में वापस आने वाले हैं, तो वो एक call आए फिर हम वो decide कर सकते हैं कि okay now who is left in the auction. But without that, I think CSK जैसे as a franchise रही है, I'm sure they are going to target their own players जिन्होंने जिनको उन्होंने release किया है, they'll try to buy back, I'm sure 50% of them in whatever capacity, or again depends on their availability. तो most of the settled sides जो हैं जैसे MI हो गए, CSK हो गए और Delhi हो गए, I'm sure they are going to buy back their players. But two guys who I definitely feel Chennai should target is Ravi Ashwin and Liam Livingstone, क्योंकि अगर अश्विन वापस आ जाते हैं जो what could possibly धोनी इस last season, तो वो जो quartet हमने देखा था वो वापस reunite हो जाएगा। Yes, they will miss Raina if he's bought by the Lucknow team, but that could be a fairy tale finish for MS if he can get Ashwin Jadeja to be back into the side along with Bravo. एंड लिविंगस्टोन अगर आ जाते हैं तो वो एक अलग डिमेंशन प्रोवाइड कर देंगे टीम को, क्योंकि आपके पास अगेन धोनी लाइक्स टू हैव ऑप्शंस, और अगर चेपक के पिच पे लिविंगस्टोन खेल रहे थे वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, वो ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालते हैं, तो देन ही बिकम्स ए वेरी लीथल गाय। और चेन्नई हैज ऑलवेज वॉन्टेड वन सच ओपनर, आप ब्रेंडन मैकलम देख लीजिए या ड्वेन स्मिथ देख लीजिए, कोई एक ओपनर हमेशा से ऐसा रहा है जो ज़्यादा अटैकिंग रहा है। दिस टाइम उन्होंने यस चेंज किया, शेन वॉटसन था पहले, फाव ऋतु के टाइम वो थोड़ा चेंज हो गया, तो अगेन आई थिंक लॉट डिपेंड्स ऑन द ऑक्शन डायनामिक्स, बहुत कुछ चेंज हो जाता है ऑक्शन टेबल पे, तो देखते हैं पहले कौन बचते हैं और उसमें से लेट्स सी हु दे पिक एंड ड्राफ्ट पिक्स फॉर बोथ द टीम्स। देखिए ड्राफ्ट पिक्स में आई एम प्रीटी श्योर वार्नर, केएल राहुल, रशीद खान, श्रेयस अय्यर डेफिनेटली चले जाएंगे ड्राफ्ट में। अब हार्दिक पांड्या जाते हैं या नहीं अहमदाबाद, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चहल, और फॉरेन प्लेयर्स में से भी यू हैव लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस एंड यूज इन चहल, तब देखें
यू कैन सी फोर इंडियन स्लॉट्स फिलिंग एनी विच वेज, सीधे सीधे आपको चार इंडियन दिख रहे हैं तो चले ही जाएंगे. तो अगेन होपफुली दैट अनाउंसमेंट इज डन सून सो दैट वी कैन गेट बैक टू थिंकिंग कि नाउ हु इज लेफ्ट एंड हु विच टीम कैन टेक हु गए विच गए. सर फॉर बीइंग हियर, यू जस्ट गिव योर प्रेशियस टाइम हियर और काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के, और जो डाउट्स थे पब्लिक के भी और थोड़े हमारी ऑडियंस के भी वो आपने क्लियर करे, और जो इतना बड़ी एक एक्सप्लेनेशन दिया हर चीज का उससे काफी अच्छा लगा हमें. तो यही था, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं जी बस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. लकी हूं मैं कि लोग को मुझे सुनना पसंद है, होपफुली चेंज ना हो ये. कभी नहीं होगा सर. ओके, थैंक यू सर. और थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर. हां ओके. Meet.